हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील चहल। आज हम शुरू करने वाले हैं एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। लास्ट हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे। पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर अब तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 6 चैप्टर है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गो एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम कि आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हों ए और बी, तो उनके लिए हमेशा क्यू और आर दो ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि हम क्या लिख सकें, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकें, जहां पर आपका आर कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन मोड ऑफ बी होगा। अगर बी नेगेटिव हुआ तो मोड ऑफ बी, क्योंकि आर हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, ठीक है। और अगर बी खुद ही पॉजिटिव है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, ठीक है। क्या है आपका डिवीजन एल्गोरिथम कि इफ ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स देन देयर always exist unique integers q and r such that q and r किस तरह से सच दैट ए किसके इक्वल हो जाए, बी क्यू प्लस आर के इक्वल, जहां पर वेयर क्यू इज कॉल्ड क्या कहेंगे, क्यू को क्वोशेंट और आर को क्या बोलेंगे, एंड आर इज द रिमाइंडर, ठीक है। आर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, क्यू आपका होगा क्वेश्चन, ठीक है। आर रिमाइंडर होगा एंड आपके पास क्या होगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन मोडो बी होगा। ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, प्रोवाइडेड आपका बी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बी को अगर जीरो लूँ तो बी से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर बी नॉन जीरो है और ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, तो ए को हमेशा किस तरह लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आपका क्या होगा, क्यू इज कॉल्ड क्वोशेंट एंड आपका आर इज रिमाइंडर, और आर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन मोड ऑफ बी होगा, ठीक है। ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट आपके पास जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं तो उनके जो भी कॉमन डिवाइजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर है वो आपका क्या होगा, जीसीडी, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज द यूनिक, क्या हुआ, जीसीडी हमेशा यूनिक होगा, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव भी होगा, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर से मान लो डी है, वो डी को मैं इसका जीसीडी कह रहा हूं, इफ सच दैट आपके पास क्या हो कि डी डिवाइड करता हो ए को एंड डी डिवाइड करता हो बी को, दोनों को डिवाइड करेगा तभी तो कॉमन डिवाइजर होगा ना दोनों का, यानी कि डी कैसा होना चाहिए, ए को भी डिवाइड करता होना चाहिए और बी को भी डिवाइड करता होना चाहिए। फर्दर आपके पास क्या हो, सेकंड इफ एनी अदर इंटीजर सी बिलोंग्स टू जेड
सच दैट आपका क्या हो सी डिवाइड ए हो एंड सी डिवाइड करता हो बी को, यानी कि कोई और अदर इंटीजर सी बिलोंग्स टू जेड कैसा हो कि वो भी ए को डिवाइड कर रहा हो और बी को भी डिवाइड कर रहा हो, तो आपके पास ये क्या इंप्लाई करें कि सी ऑल्सो डिवाइड्स डी, तो आपका डी क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कब कहेंगे, ए और बी का पहली कंडीशन होनी चाहिए कि डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता हुआ होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि अगर कोई और इंटीजर सी ए और बी को डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो वो इंटीजर आपका डी को भी डिवाइड करना चाहिए, तभी आपका डी क्या होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये था आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब निकालेंगे कैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर आपको कोई दो नंबर दे दे, दो इंटीजर्स दे दे, तो उनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछ लेगी, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट वे है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स सच दैट आइदर ए नॉन जीरो और आपका क्या हो बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर दोनों ही आपके जीरो जीरो हो गए, तो अगर आपसे मान लो ये पूछ रहा है कि जीरो जीरो का जी सी डी क्या होगा, जी सी डी क्या होता है, वो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है वो क्या होता है जी सी डी। जीरो किससे डिवाइड होता है, सभी इंटीजर से, ये भी क्या है जीरो, ये भी सभी इंटीजर से डिवाइड होगा, यानी कि जीरो जीरो की अगर जी सी डी की बात करूँ तो कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम नहीं बता सकते इन दोनों के अंदर, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या होगा इसके अंदर इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं ना। ठीक है, और जीरो किससे डिवाइड हो रहा है, सभी के सभी इंटीजर्स से। ठीक है, तो कोई फिक्स नंबर हमें नहीं मिलेगा यहाँ से, तो इसलिए क्या नहीं कर सकते, अगर दोनों ही नंबर जीरो जीरो हो गए तो हम जी सी डी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों में से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स सच दैट दोनों में से कम क्या हो, एक आपका नॉन जीरो हो, तो आप जी सी डी कैसे निकालेंगे। अगर इस टाइप से है कि स्पष्ट, अगर एक जीरो है और एक नॉन जीरो, मान लो ए इक्वल टू जीरो है और बी आपका कैसा है नॉन जीरो है। ठीक है, फिर आपसे जी सी डी पूछ रहा है कि जी सी डी हो जीरो एंड बी, ये क्या होगा, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जी सी डी क्या होता है दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जीरो तो सबसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें बी के डिवाइजर देखने हैं। बी का सबसे बड़ा डिवाइजर क्या होगा, बी खुद ही होगा, बी से बड़ा तो कोई नंबर बी को डिवाइड नहीं कर सकता ना। ठीक है, इसका मतलब बी का सबसे बड़ा डिवाइजर क्या है, बी। तो जीरो और बी का अगर जी सी डी ले रहा हूं तो वो किसके इक्वल आएगा, बी के ही इक्वल आएगा, बशर्ते आपका क्या हो बी ग्रेटर देन जीरो। अगर बी नेगेटिव है तो ये जी सी डी किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ बी के इक्वल, क्योंकि जी सी डी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब बात थी कि निकालेंगे कैसे जी सी डी, कोई भी आपको दो नंबर दे दे तो उनका जी सी डी किस तरह से निकाल सकते हैं, या तो दोनों को फैक्टराइज कर लो दोनों नंबर्स को, और उन दोनों के अंदर जो भी कॉमन प्राइम्स हैं, जो भी कॉमन प्राइम्स आएंगे उनकी लीस्ट पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या जाएगा जी सी डी। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया, एक ले लिया मान लो 28 ले लिया एक नंबर, दूसरा नंबर ले लिया 36। ठीक है, इन दोनों का आपसे जी सी डी पूछ रहा है कि जी सी डी क्या आएगा, 28 को फैक्टराइज करो, 28 किसके इक्वल होगा, 7 into 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 raised to power 2। ठीक है, प्राइम की पावर्स में तोड़ना है। ठीक है, अगर 4 लिख देता तो 4 क्या था, प्राइम नंबर नहीं था, 2 प्राइम नंबर है, तो इसलिए 2 raised to power 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, 28 को मैंने क्या कर दिया, प्राइम की पावर्स में तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 36 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 36 को अगर तोड़ूँ तो 9 into 4 36, यानी कि
नाइन इंटू फोर किसके इक्वल लिख सकता हूँ, थ्री रेज टू पावर टू इंटू टू रेज टू पावर टू। ठीक है, कॉमन डिवाइजर्स कौन सा है, इसके अंदर एक तीन है एक दो है, दो डिवाइजर हैं 36 के, प्राइम डिवाइजर की बात कर रहा हूँ, डिवाइजर तो नाइन भी है लेकिन अगर प्राइम डिवाइजर की बात करूँ तो 36 के प्राइम डिवाइजर क्या है, एक थ्री है एक टू है, 28 के प्राइम डिवाइजर क्या है, एक सेवन है एक टू है। ठीक है, दोनों में कॉमन प्राइम डिवाइजर कौन सा है, टू है। ठीक है, और क्या लेना है, दोनों में जो कॉमन प्राइम डिवाइजर हो उसकी लिस्ट पावर लेनी है, दोनों में कॉमन जो प्राइम डिवाइजर है उसकी लिस्ट पावर, दोनों के अंदर दो ही पावर है तो यही लिस्ट है यही मैक्सिमम है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जीसीडी ऑफ 28 एंड 36 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉमन क्या है 2 रेज टू पावर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 आपका क्या आएगा, जीसीडी आएगा दोनों का। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लो एक जगह 2 रेज टू पावर 3 होती, ठीक है, ये 28 की जगह 56 होता, ये पूछ लेता कि 56 और 36 इन दोनों का जीसीडी क्या होगा। ठीक है, उस केस में क्या होता, प्राइम डिवाइजर्स क्या क्या हैं 56 के, 7 एंड 2, ठीक है, 36 के 3 एंड 2, कॉमन प्राइम डिवाइजर्स क्या हैं 2, और क्या लेना है, दोनों में जो कॉमन प्राइम डिवाइजर हैं उनकी लिस्ट पावर, लिस्ट पावर क्या है, यहाँ पर तीन पावर है यहाँ पर दो पावर है तो दो वाली लेनी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जीसीडी, जीसीडी हो 56 एंड 36, ये किसके इक्वल आएगा, 2 रेज टू पावर 2 के, जो भी मिनिमम है, यहाँ पर तीन पावर हैं यहाँ पर दो पावर है। ठीक है, तो दो वाले लेने हैं, जो भी छोटा हो वही पावर से लेनी। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइजर था, हो सकता था इसके अंदर एक और हो, यहाँ पर तीन हो, तीन से मल्टीप्लाई हो, और यहाँ पर तीन की पावर दो है दो की पावर दो है, यहाँ पर 7 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 मान लो ये होता, फिर क्या बन जाता है, 158। ठीक है, अगर ये 168 होता तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती, 7 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 36 है तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, कॉमन प्राइम्स क्या है, एक ये भी 3 से, इसके अंदर भी 3 प्राइम डिवाइजर है और इसके अंदर भी 3 प्राइम डिवाइजर है। ठीक है, कॉमन प्राइम है। ठीक है, जीसीडी निकालने के लिए क्या करना है हमें, जो दोनों में से मिनिमम पावर हो दोनों में प्राइम डिवाइजर की, यहाँ पर 1 पावर है यहाँ पर 2 पावर है, यानी कि ये वाला लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 भी कॉमन है प्राइम डिवाइजर, यहाँ पर 2 की 3 पावर है यहाँ पर 2 की 2 पावर है, तो जो कम पावर है वो लेना है, यानी कि ये लेना है, इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई, जो अलग है वो अलग रहेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो भी कॉमन है सिर्फ उनको लेना है जीसीडी देते टाइम। क्या होगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 कहूँगा तो 4 इंटू 3 12, तो जीसीडी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जीसीडी हो 168 एंड 36 किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल, क्या लेना है इसके इक्वल है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो जो भी कॉमन प्राइम डिवाइजर्स हैं उनकी जो कम पावर है दोनों के अंदर वो लेनी है आपको। ठीक है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, जीसीडी। तो ये तो था, अगर नंबर छोटे थे आप फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं, अगर नंबर्स आपके पास बड़े नंबर आ जाएं और उनका जीसीडी पूछ ले तो क्या करोगे, फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा, फिर क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी शुरू में करवाया था, क्या था कि ए और बी आपके क्या हैं, कोई भी दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, बी आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, दोनों में से अगर दोनों ही जीरो हो गए तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, और बी किसको ले लेंगे, जो भी नॉन जीरो होगा, एक जीरो हो एक नॉन जीरो हो, तो क्या करेंगे, जो भी नॉन जीरो होगा उसको बी ले लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे इन जेड, क्या होगा, क्यू एंड आर बिलोंग्स टू जेड एग्जिस्ट करेंगे यूनिकली, सच दैट आपका ए किसके इक्वल हो जाए, बी क्यू प्लस आर के इक्वल हो जाए। ठीक है, ए इक्वल हो जाए बी क्यू प्लस आर के, अगर आर आपका जीरो हो जाए, उस केस में आर जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि ए बी से डिविजिबल हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि क्या लिख दिया, ए को बी का मल्टीपल लिख दिया, मतलब बी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आर जीरो हो गया तो ठीक है, उस केस में क्या होगा, बी ही आपका बन जाएगा जीसीडी। अगर आर जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, फिर आपको फिर से डिवाइड करना है, फिर करना है बी को फिर आर से डिवाइड कर दो, यानी कि आर क्यू वन प्लस आर वन, इस टाइप से दो नंबर आएंगे क्यू वन आर वन। अब की बार दो नंबर, पिछली बार क्या थे, ए और बी को ही दो नंबर थे, वहां से क्या हुआ कि ए को मैंने लिख दिया बी क्यू प्लस आर। अगर आर जीरो हो गया तो जीसीडी आपका क्या हो जाएगा, बी ही जीसीडी बन जाएगा। अगर आर जीरो नहीं हुआ फिर आप क्या करेंगे, बी को आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा, यानी कि उसको पहले ये क्या था, डिवाइजर बी, ये था डिवाइडेंड और ये था क्वेश्चेंट, ठीक है। तो डिवाइजर को अब क्या करेंगे, डिवाइडेंड बना देंगे और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर, ठीक है। अब बी को क्या कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, दो नंबर आएंगे इंटीजर्स क्यू वन एंड आर वन। अगर आर वन यहां पर जीरो हो गया तो जीसीडी आपका क्या हो जाएगा, आर जीसीडी बन जाएगा। अगर आर वन भी जीरो नहीं हुआ, आर वन के पास क्या कंडीशन है, आर के पास थी कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन बी था। यहां पर भी क्या होगा, आर वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन आर होगा, ठीक है। अगर आर वन जीरो हुआ तो आर आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जीसीडी। अगर आर वन जीरो नहीं हुआ फिर आप क्या करेंगे, फिर आर को आर वन से डिवाइड कर दो, यानी कि आर इक्वल्स टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू, यानी कि आर और आर वन के लिए दो इंटीजर्स हैं ये, इनके लिए क्या एग्जिस्ट करेंगे जेड के अंदर क्यू टू एंड आर टू, सच दैट आर को मैं किस तरह लिख दूं, आर वन क्यू टू प्लस आर टू, ठीक है। यहां से अगर आर टू जीरो है तो आपका क्या बन जाएगा, आर वन जीसीडी बन जाएगा। अगर आर टू जीरो नहीं है तो फिर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आर टू कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन आर वन, क्या होता जा रहा है, ये जो रिमाइंडर आता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और ये जीरो से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है, जीरो से बड़ा है और जीरो के नजदीक आता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस केस में हमारे पास क्या जाएगा, जीसीडी। मान लो कि nth स्टेज पे जाके हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो, यानी कि अगर आर एन ऐसे करता जाऊंगा तो मान लो कि आर एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, आर एन क्यू एन प्लस वन प्लस में आर एन प्लस वन, इस तरह से आएगा ना, ऐसे चलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आर आर वन क्यू वन और आर वन क्यू टू प्लस आर टू, ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करूंगा, अगर आर टू जीरो हुआ तो आर वन ही जीसीडी बन गया, अगर आर टू जीरो नहीं हुआ तो क्या करूंगा, आर वन इज इक्वल टू आर टू क्यू थ्री प्लस आर थ्री, इस तरह से लिखूंगा। फिर आर थ्री जीरो हो गया तो आर टू ही जीसीडी बन जाएगा, अगर आर थ्री जीरो नहीं हुआ तो फिर आर टू को डिवाइड करूंगा। ऐसे करते करते मैं कहां तक चला गया, आर एन माइनस वन को क्या लिख दिया, आर एन क्यू एन प्लस वन प्लस आर एन प्लस वन, ठीक है। तो एक स्टेज पे जाके आपका रिमाइंडर जीरो आना है, तो हम मान लेते हैं कि nth स्टेज पे जाके ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो, यानी कि आर एन प्लस वन जो रिमाइंडर आया है आर एन से डिवाइड करने के बाद, वो आपने क्या मान लिया कि ये रिमाइंडर आपका क्या है, जीरो। अगर ये रिमाइंडर जीरो हो गया तो आपका जीसीडी क्या बनेगा, आर एन, ठीक है। ये है आपका डिवीजन मेथड से, यानी कि डिवीजन, यूक्लिडियन डिवीजन से अगर मैं आपका जीसीडी निकालूं तो इस तरह से निकालना है, क्योंकि बड़े नंबर्स की हम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर फैक्टराइजेशन इजी है तो आप सीधा फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी जो लिस्ट पावर है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, जीसीडी। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। कोई भी दो नंबर दिए हुए थे ए और बी, उनका जीसीडी कैसे निकाला, ए को पहले क्या लिख दिया, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ठीक है। अगर आर जीरो आ गया तो बी ही जीसीडी है, जीरो नहीं आया तो आर से फिर बी को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आया, अगर वो रिमाइंडर जीरो आ गया तो आर आपका जीसीडी बन जाएगा, वो भी जीरो नहीं आया फिर आर को आर वन से डिवाइड कर दो, ऐसे चलते जाएंगे। एक स्टेज पे जाके आपका रिमाइंडर जीरो जरूर आएगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, मान लो कि इस स्टेज पे जाके हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया तो यहाँ से क्या जाएगा, आर एन विल बी द जीसीडी ऑफ ए बी, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, कोई नंबर ले लो 375 एंड
150, ये दो नंबर ले लिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इनका जीसीडी क्या होगा, क्या करना है, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 375, यहाँ है हमारे पास 150, कितने पे चलेगा, दो पे 300, कितना बच गया 75, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका मतलब 150 आपका क्या है, जीसीडी नहीं है। क्या करना है, 150 को अंदर ले आओ, अब 75 से डिवाइड कर दो, 75 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 75 × 2 = 150, जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो, इसका मतलब हमारे पास जीसीडी क्या आएगा 75, ये था इन दोनों का जीसीडी। ठीक है, वैसे फैक्टर करते हैं तो बहुत दिक्कत होती, 15 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3 × 10, यानी कि 5 raised to power 2 × 3 × 2, ये आपकी 150 की फैक्टराइजेशन। 375 को अगर 25 से डिवाइड करूँ तो 25 × 12 = 25, 125, 375 को क्या लिख सकता हूँ, 25 × 125, 25 × 12 = 37, हाँ यही, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 raised to power 3 × 3, हाँ 375 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन 5 raised to power 3 × 3, और 150 की 5 raised to power 2 × 3 × 2। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, एक तो 5 है, एक 3 है, 2 नहीं है, 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 3, तो दोनों में 5 की लीस्ट पावर कहाँ पर है, वो है 2 पावर है, ये लिख ली 5 raised to power 2 × 3 की लीस्ट पावर कितनी है, 3 की, तो दोनों जगह एक ही पावर है, तो वो ले लिया आपने 3, यानी कि किसके इक्वल आ गया 5 raised to power 2 × 25 × 3, किसके इक्वल आ गया 75, या तो इस तरह से निकाल दो, ये भी आपका क्या है जीसीडी, और या फिर डिवीजन मेथड से निकाल दो, यहाँ से भी आपके पास जीसीडी क्या है 75। ठीक है, तो ये थे आपके जीसीडी निकालने के तरीके। नेक्स्ट, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जीसीडी की, फर्स्ट है इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, देन हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट आपके क्यू आर कैसे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, और आर आपका ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन बी है, इस तरह से होगा, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, बी को यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, यानी कि बी ग्रेटर देन जीरो, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन हमारे पास क्या आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, क्यू और आर कहाँ से होंगे, जेड से, और आर आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। अब जी सी डी का क्या रोल है इसके अंदर, अगर ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, देन हमारे पास क्या होगा, जी सी डी ओ ए बी किसके इक्वल आएगा, जी सी डी ओ यानी बी आर। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, डिवाइडेड, जिसको डिवाइड किया है, ये क्या है, डिवाइजर, जिसके साथ डिवाइड किया है, और ये क्या है, रिमाइंडर, ये है आपका क्वेश्चन। तो जो डिवाइडेंड और डिवाइजर है उनका जो जीसीडी होगा वही जीसीडी किसका होगा, डिवाइजर का और रिमाइंडर का। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जीसीडी क्या होगा, अगर ए को डिवीजन ए और बी है, आपके पास कोई दो इंटीजर हैं, और डिवीजन एल्गोरिथम से उन्हें ये लिख सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो हमारे पास जीसीडी ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, जीसीडी ऑफ बी आर के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास If D is the GCD of AB, then there exist X and Y in Z such that. Second क्या है? If D is the
जीसीडी ऑफ ए बी, ठीक है, डी क्या है, जीसीडी ऑफ ए बी है, देन देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई इन जेड, ठीक है, एक्स और वाई कैसे होंगे, इंटीजर्स, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, डी को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, डी को ऐसे लिख सकते हैं। अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो ऐसे दो एक्स और वाई जरूर एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर्स, सच दैट डी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। थर्ड आपके पास, इफ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, इफ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, ए क्या कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है, एंड आपके पास क्या हो, ए बी का जी सी डी क्या हो, वन हो, देन क्या होगा हमारे पास, ए बी की जो मल्टीप्लीकेशन है वो बी सी को डिवाइड करेगी। क्या कह रहे हैं कि ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी बी सी को डिवाइड कर रहा है, और ए और बी का अगर जी सी डी वन है तो उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी सी को डिवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सी आपका 6 है, ए आपका 2 है और बी आपका 3 है, ठीक है, ये नंबर ले लीजिए 3, ठीक है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि ए डिवाइड सी है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड सी 6 है, यानी कि सी लिख लो, बी भी डिवाइड कर रहा है सी को, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए बी बी सी को डिवाइड करेगा, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 6, और 6 भी 6 को डिवाइड करेगा, मतलब ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। अब अगर ए बी का जी सी डी 1 ना हो तो जरूरी नहीं है आपके पास कि ए डिवाइड करे, ए डिवाइड सी कर रहा हो और बी डिवाइड सी कर रहा हो, तो फिर जरूरी नहीं है कि ए सी ओ ए बी भी डिवाइड करे सी को, अगर ए और बी का जी सी डी 1 ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ, सी को मैंने 8 ले लिया, नहीं 4 ले लिया मान लो, ठीक है, ए को 2 ईयर का, बी को भी 4 ले लिया, ठीक है, क्या है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 × 2 = 4, बी क्या सी को डिवाइड कर रहा है, दोनों में 4 है, 4 खुद को डिवाइड करेगा, यानी कि 4 / 4, बी भी सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ए और बी का जी सी डी क्या है, 2 है, ठीक है ना, ए और बी का जी सी डी क्या है, 2 है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में, 2, ठीक है, तो ए और बी का जी सी डी आपके पास क्या है, 2 है। तो क्या यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी डिवाइड करेगा सी को, क्योंकि ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी भी सी को डिवाइड कर रहा है, क्या यहाँ से इस केस में ये कह सकते हैं कि ए बी डिवाइड करेगा सी को, ए बी क्या आएगा, 4 × 2 = 8, क्या 8 4 को डिवाइड कर सकता है, नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर आपका ए डिवाइड सी है, बी डिवाइड सी है, और ए और बी का जी सी डी 1 है, तो ही आप ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी डिवाइड करेगा सी को, ठीक है, ये होगा। वैसे इस केस में भी डिवाइड कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि करेगा, अगर मैं सी की जगह यहाँ पर 16 ले लेता फिर ये हमेशा डिवाइड करता, इस केस में डिवाइड कर जाता ना, फिर जी सी डी आपका 2 था फिर भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइड सी है, बी डिवाइड सी है, तो गारंटी के साथ आप कब कह सकते हो कि ए बी डिवाइड करेगा सी को, जब आपका जी सी डी ए और बी का 1 हो, अगर 1 नहीं है जी सी डी तो दोनों केस हो सकते हैं, हो सकता है कि वो डिवाइड कर दे ए बी बी सी को, या फिर ये भी हो सकता है कि ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ ए डिवाइड बी सी, क्या दिया हुआ है, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी इंटू सी को, बी और सी कोई भी दो इंटीजर हैं, उनकी मल्टीप्लीकेशन को क्या डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड कर रहा है। फोर्थ है आपके पास, इफ ए डिवाइड कर रहा है बी इंटू सी को, एंड आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी का जी सी डी आपको 1 दे दिया, ए और बी का जी सी डी क्या है, 1 है, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा।
अगर एक दो नंबर्स की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहा है और उनमें से एक नंबर के साथ ए का जीसीडी क्या है, वन है, तो वो डेफिनेट है कि एक इसको डिवाइड करेगा, दूसरे वाले नंबर को पक्का डिवाइड करेगा। ठीक है, ये था आपका फोर्थ। फिफ्थ है कि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी हैज ए सॉल्यूशन इन जेड इफ एंड ओनली इफ, क्या हो, जी सी डी ऑफ ए बी क्या करे, डिवाइड करता हो सी को, क्या हो, ये जो लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसका एक इंटीजर सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ आपका जी सी डी ऑफ ए बी किसको डिवाइड करता हो, सी को डिवाइड करता हो, तभी इस लीनियर इक्वेशन का इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट आपके पास इफ डी इज जी सी डी ऑफ ए बी, ए बी का जी सी डी डी है, देन जी सी डी ऑफ किसका, ए बाई डी कोमा बी बाई डी इसके इक्वल होगा वन के इक्वल। ठीक है, अगर ए और बी का जी सी डी आपको क्या कह रहा है, डी है, तो ए बाई डी एंड बी बाई डी इनका जी सी डी लू तो वो क्या आएगा, वन आएगा। जी सी डी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इन दोनों को इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड कर दूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन बचेगा ही नहीं, सिर्फ वन कॉमन बचेगा। ठीक है ना, तो वही क्या होगा आपका जी सी डी। ठीक है, तो अगर डी जी सी डी है ए बी का, तो जी सी डी ऑफ ए बाई डी बी बाई डी आपसे पूछा हुआ है, तो जी सी डी वो क्या आएगा, वन आएगा। नेक्स्ट आपके पास एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या है, इफ ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू जेड हो एंड बी क्या हो, नॉन जीरो हो एंड बिलोंग्स टू जेड हो, कोई भी दो इंटीजर्स ए और बी जो कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों नॉन जीरो, तो उनका एलसीएम डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, अगर दोनों जीरो हो गए तो एलसीएम डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी बी टू इंटीजर्स देन ए पॉजिटिव इंटीजर यूनिक रदर ए यूनिक पॉजिटिव इंटीजर ए यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एम इज सेड टू बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी इफ आपके पास क्या हो, फर्स्ट कंडीशन ए डिवाइड्स एम एंड बी डिवाइड्स एम, क्या हो कि एम ए से भी डिविजिबल हो और एम बी से भी डिविजिबल हो। ठीक है, सेकंड इफ देयर इज एनी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। ठीक है, इसके अलावा एम के अलावा अगर कोई और अदर सी आपका इंटीजर हो, कैसा कि ए बी सी को डिवाइड कर रहा हो और बी भी सी को डिवाइड कर रहा हो, तो आपके पास क्या हो, दिस इंप्लाइज दैट एम ऑल्सो डिवाइड सी, इन दैट केस आपके पास एम क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, दो
नॉन जीरो इंटीजर्स का एलसीएम क्या होगा आपके पास, कि ए भी उस नंबर को डिवाइड करता हो, बी भी उस नंबर को डिवाइड करता हो, और अगर इस नंबर के अलावा कोई और नंबर ऐसा हो इंटीजर सच दैट ए उसको भी डिवाइड करता हो और बी भी उसको डिवाइड करता हो, तो हमारे पास क्या इंप्लाई करे कि एम भी उसे डिवाइड करे। उस केस में हमारे पास एम क्या होगा आपका, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जीरो जीरो का एलसीएम हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्या होना चाहिए कि ये अगर ए है ये बी है तो क्या होना चाहिए एलसीएम इन दोनों का, ए डिवाइड्स एम, जीरो डिवाइड्स एम, एम को भी पॉजिटिव इंटीजर लिया है और जीरो डिवाइड्स एम का है, क्या जीरो एम को डिवाइड कर सकती है, क्या कोई भी नॉन जीरो नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, इनफाइनाइट आएगा ना, एम डिवाइड बाई जीरो लिखूँ तो क्या कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, जीसीडी के केस में आपका कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए था तब भी आपका जीसीडी डिफाइन हो जाता था। अगर दोनों के दोनों जीरो हो जाते जीसीडी के केस में तो वहाँ पर भी जीसीडी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर एक जीरो हो दूसरा नॉन जीरो हो तो हम जीसीडी डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर एक भी आपका जीरो हो गया, अगर जीरो बी की भी बात करूं तो उसका भी जीसीडी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो बी भी हो तो भी हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, सॉरी जीसीडी बोल दिया मैंने शायद। अगर जीसीडी की बात करें तो अगर बी नॉन जीरो है तो जीरो बी का जीसीडी बी हो जाएगा, लेकिन अगर एलसीएम की बात करें तो दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए तभी हम एलसीएम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम डिफाइन नहीं होगा। जीरो बी का अगर एलसीएम की बात करूं तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और दोनों जगह जीरो हो तो फिर बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है, अगर एक ही जगह में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दोनों जगह जीरो हो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता एलसीएम। ठीक है, तो ये था आपका एलसीएम। एलसीएम किस तरह निकालेंगे, जिस तरह जीसीडी निकालते थे कि क्या करते थे, कोई भी दो नंबर थे उनको फैक्टराइज कर लिया दोनों के दोनों को, वहां पर था कि जो भी कॉमन आपके पास फैक्टर थे, कॉमन प्राइम फैक्टर थे, उनकी जो लिस्ट पावर थी सिर्फ उनको कंसीडर करते थे और आपका जीसीडी निकालते थे। लेकिन एलसीएम में क्या होगा, मान लो जो पहले एग्जांपल लिया था कि 28 एंड 36 इन दोनों का आप क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे 28 की अगर फैक्टराइजेशन करूं तो 7 × 2^2 ये हो गया, 36 की अगर फैक्टराइजेशन करूं तो क्या हो गया हमारे पास 9 × 2^2 इसे 3^2 लिख लो चाहे। ठीक है, ये आपकी क्या होगी 36 की फैक्टराइजेशन, ये होगी 28 की फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर जो कॉमन है 2^2 है, यहाँ भी 2^2 है तो ये तो एक बार लेना है, और जो डिफरेंट है वो एज इट इज सारे, यानी कि 2^2 × 3^2 × 7 ये आपका क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये होता कि 3 और मल्टीप्लाई होता ये कितना हो गया 8 × 24 = 3 × 6 = 84। ठीक है, अगर ये 84 होता ये 36 होता तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती 7 × 2^2 × 3। ठीक है, यहाँ इसकी 3^2 × 2^2 फिर आप एलसीएम की बात करते तो क्या आता, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है जो दोनों में कॉमन है और एक क्या है 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में 2 है तो ये ले लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, अब वो नहीं लेना सिर्फ ये लेना है हाईएस्ट पावर वाला, तो 3^2 ले लिया। नेक्स्ट ये जो अकेला बच गया वो तो लेना है, इसकी अगर 6 पावर भी होती तो 6 की 6 लेती। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है, फैक्टर करो जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी हाईएस्ट पावर कंसिडर करनी है और जो डिफरेंट है वो तो लेने ही। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम में और जीसीडी में एक रिलेशन होता है कि अगर दो नंबर्स हैं आपके पास ए और बी, सच दैट ए और बी दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, लेट
ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू जेड एंड बी नॉन जीरो बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि क्या होगा अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो एलसीएम डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दोनों को कैसा लेना पड़ेगा, नॉन जीरो। ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, देन हमारे पास क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू जी सी डी ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, ए इंटू बी के इक्वल, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू जी सी डी ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, ए इंटू बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, जी सी डी भी पॉजिटिव नंबर होता है, एलसीएम भी पॉजिटिव नंबर होता है, अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव आ गया तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसलिए दोनों को क्या करना है, मोड़ लेना आउट साइड, तो ये हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों साइड फिर। तो हमारे पास क्या आता है कि एलसीएम इंटू जी सी डी किसके इक्वल होता है, जिन दो नंबर्स का एलसीएम ले रहे हैं या जी सी डी ले रहे हैं उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एलसीएम। नेक्स्ट आपके पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना हमें, 28 की 36 की और भी बड़े नंबर्स की थी, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर्स किन्हें कहेंगे, कौन से नंबर्स को प्राइम कहेंगे वो देखते हैं, व्हाट इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर All those positive integers which are either divisible by one or by itself are called, क्या कहे जाएंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होंगे, वह सारे पॉजिटिव इंटीजर जो या तो एक से डिवाइड होते हो या खुद से डिवाइड होते हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो, ठीक है। अगर किन्हीं भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, सभी कोई भी इंटीजर, ऑल दोज इंटीजर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाय वन और बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जहां पर ये क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करूँ अगर उनकी, उसी तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो। एन इंटीजर एन ग्रेटर देन वन इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन वन इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स, कौन से, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर है वो हमेशा खुद से डिविजिबल होता है, तो वो दो हो गए, और हर एक इंटीजर वन से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी वो इंटीजर ग्रेटर देन वन क्या कहलाएगा, प्राइम कहलाएगा, कब, जब इसके सिर्फ दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, एक वन और एक वो खुद, अगर इसके अलावा उसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ना हो तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि दो,
दो किससे डिवाइड होता है, या तो एक से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, तो क्या होगा प्राइम। तीन क्या है, तीन भी या तो एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, ये भी प्राइम है। पाँच भी प्राइम है, सात भी प्राइम है, ग्यारह भी प्राइम है, तेरह है, सत्रह है, उन्नीस है, तेईस है, उनतीस, इकतीस, सैंतीस, और फिर आपके पास 41, 43, ऐसे 47, ऐसे चलते जाएंगे। 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास प्राइम नंबर। किसी भी नंबर को प्राइम कब कहेंगे, पहला क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन वन इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स, से एक वन हो और एक वो खुद हो, तो इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, दो नंबर्स ए और बी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कब कहेंगे, जब उन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, ठीक है। क्या हो, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम क्या होंगे, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज वन। क्या हो, दो दो कोई भी इंटीजर रिलेटिवली प्राइम कब कहलाएंगे, जब उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो या जीसीडी क्या हो, आपका वन हो, ठीक है। यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका क्या हो जाए, वन हो जाए उन दोनों का, तो वो दोनों नंबर्स कैसे हो जाएंगे, आपस में रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ट्विन प्राइम, क्या है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम टू प्राइम नंबर्स पी एंड पी डैश, मान लेते हैं पी डैश आपका ग्रेटर देन पी है, आर सेट टू बी क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स इफ क्या हो आपके पास, पी डैश माइनस पी किसके इक्वल आ जाए, टू के इक्वल। यानी कि दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस आपका क्या हो, दो का डिफरेंस हो, तो वो कैसे प्राइम बोले जाते हैं, ट्विन प्राइम। जैसे तीन और पांच के बीच में कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, तो तीन और पांच कैसे प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम्स। पांच और सात के बीच में भी दो का डिफरेंस है, तो पांच और सात भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम्स। ग्यारह और तेरह के बीच में, इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, ये भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम। सत्रह और उन्नीस के बीच में, इनके बीच में भी दो का डिफरेंस है, ये भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम। नेक्स्ट एक आपका होता है 33 तो प्राइम नहीं है, 41 एंड 43 ये भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम्स हैं। तो कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो, दो का डिफरेंस हो, वो प्राइम कैसे होते हैं, ट्विन प्राइम। नेक्स्ट आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्या कह रही है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम
कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एवरी कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन वन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? प्राइम्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर है ग्रेटर देन वन। ठीक है, प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर लिखने से क्या मतलब है कि उसको फैक्टराइज कर दिया किसी भी कंपोजिट नंबर को, एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन कैसी होगी? यूनिक होगी। फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सिर्फ क्या हो सकता है? जो प्राइम्स फैक्टराइजेशन के अंदर आ रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे आ सकते हैं, अदरवाइज किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी उसके अंदर प्राइम्स आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे? सेम आएंगे, यूनिक प्राइम्स आएंगे। ठीक है, जैसे 6 की अगर फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 × 3। ठीक है, कोई और प्राइम्स की प्रोडक्ट के अंदर लिख सकता हूँ 6 को क्या? 5 × सम अदर इंटीजर या अदर प्राइम लिख सकता हूँ? 5 की किसी और प्राइम से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। 7 की करूँ तब आ सकता है? नहीं आ सकता। सिर्फ 2 और 3 की ही मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है, अदरवाइज जो ये फैक्टराइजेशन होगी किसी भी कंपोजिट नंबर की वो कैसी होगी? यूनिक फैक्टराइजेशन होगी, यानी कि प्राइम उसके अंदर कैसे आएंगे? हमेशा सेम ही प्राइम आएंगे, चेंज नहीं होंगे। या इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एनी इंटीजर ग्रेटर देन वन वो या तो क्या होगा? खुद प्राइम होगा या फिर उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। क्या दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसे? और एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन वन इज क्या हो? आइदर ए प्राइम नंबर या तो क्या होगा? वो खुद एक प्राइम नंबर होगा, और इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? या तो वो नंबर एन ग्रेटर देन वन खुद एक प्राइम नंबर हो जाएगा, या अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसे कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, और इसे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बोल देते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ नंबर्स देखेंगे, फर्मेट थ्योरम देखेंगे, विल्सन थ्योरम देखेंगे, यूलर्स थ्योरम देखेंगे, डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर देखेंगे, और सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर देखेंगे। ठीक है, आज ही वो करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।